ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है चैप्टर का? रिमेंबर। रिमेंबर मतलब हमें रिमाइंड करना है जो चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो। ओके, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर वर्किंग, स्टडिंग, थिंकिंग एंड प्लेइंग। अभी मतलब क्या, फूड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, किस लिए? वर्क करने के लिए, फिर स्टडी के लिए, थिंकिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, ये ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट का है, वी ईट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अभी हम अलग अलग टाइप्स का फूड खाते हैं, प्लांट से मिलने वाला, एनिमल से मिलने वाला। ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अभी वही बोला है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड ऑन टाइम। हमें हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी ऑन टाइम पे, मतलब टाइम टू टाइम। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, रात को डिनर और इवनिंग को स्नैक्स। ओके, आवर बॉडी ऑल्सो नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। अभी अपने हमारे बॉडी को पानी की भी ज़रूरत होती है। हाउ मेनी ग्लास यू हैव नीड? 6 to 10 ग्लास। ओके, नीड टू आवर बॉडी। अभी न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स में क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? द पावर दैट योर बॉडी हैज़ टू डू थिंग्स, जो भी हमें करना है। अभी सपोज मेरे पास, मुझमें एनर्जी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे एनर्जी आने के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। जंक फूड खाऊँगी तो इतनी एनर्जी नहीं आएगी, हमारी कैलोरीज बढ़ेगी लेकिन एनर्जी नहीं आएंगी, हम फैटी हो जाएंगे। और हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? हेल्दी एंड हेल्दी फूड चाहिए। हेल्दी मीन्स मतलब मिल्क पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, मीट खाना चाहिए, तो ये हमें एनर्जी आ जाएगी। अभी स्पाइसी, स्पाइसी मतलब एकदम तीखा वगैरह, चमचमी, जैसे कि आपको वेफर्स वगैरह पसंद है, पिज्ज़ा वगैरह पसंद है, वो स्पाइसी होता है, लेकिन उससे एनर्जी ज़्यादा नहीं आएगी, आपका फैट बढ़ जाएगा। अभी स्पाइसी फूड विच हैज़ स्पाइसीज इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट। टेस्ट में बहुत अच्छा होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी ठीक है, महीने में एक बार वगैरह ऐसा, लेकिन डेली नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ आप फैटी बन जाओगे, आलसी बन जाओगे, मतलब ज़्यादा उससे एनर्जी नहीं आएगी, लेजी बन जाओगे। अभी स्नैक्स, स्नैक्स मतलब क्या? अ स्मॉल क्विक मील। स्नैक्स मतलब अ स्मॉल क्विक मील, जैसे कि शाम को आप जब खेल के बाहर खेल के आते हो तो मम्मी को आप स्नैक्स मांगते हो, मतलब छोटा सा नाश्ता, लाइक बिस्किट्स, केक वगैरह वगैरह, उसमें फ्रूट भी ले सकते हो। ओके, अभी हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। सी योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ए है फिल इन द ब्लैंक्स। वी नीड फूड टू डैश एंड डैश। हमें फूड की क्यों ज़रूरत है? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिव मतलब एकदम, ग्रो मतलब बड़ा होना। ओके, लिव मतलब जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए और ग्रो बड़ा होने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। नंबर टू में है फूड गिव्स अस एनर्जी टू डैश एंड डैश। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड थिंक, वर्क एंड प्ले। ओके, वर्क एंड मतलब स्टडिंग, ये सारे के लिए एनर्जी चाहिए हमें। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड में? वर्क एंड थिंक या वर्क एंड प्ले, एज यू विश, कुछ भी। अभी थर्ड है गुड फूड मेक्स अस डैश एंड डैश। गुड फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। गुड फूड खाने से हम कैसे बन जाते हैं? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम। मोस्ट ऑफ द फूड कहाँ से आता है? प्लांट से, जैसे कि पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स लाइक। नंबर फाइव वी हैव डैश इन द मॉर्निंग। अभी हम मॉर्निंग में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट। तो आंसर फाइव में आंसर क्या आएगा? ब्रेकफास्ट। ओके, अभी नंबर बी है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है? वी नीड फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। हाँ, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, ये ट्रू है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे बॉक्स में? टी। ओके, देन वी गेट मिल्क फ्रॉम प्लांट। प्लांट आपको मिल्क देता है? किसी ने देखा है प्लांट मिल्क देते टाइम? नो, हु गिव्स अस मिल्क? एनिमल गिव्स अस मिल्क। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में फॉल्स। एफ क्या लिखेंगे? एफ, एफ मतलब फॉल्स। देन नंबर थ्री ओनली फूड विच टेस्ट नाइस इज गुड फॉर हेल्थ। नो, इट ऑल्सो फॉल।
जो स्पाइसी फूड होता है टेस्टी लगता है लेकिन वो हेल्दी होता है क्या? नहीं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स वगैरह, ये स्पाइसी होते हैं, टेस्टी होते हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? एफ। नंबर 4, वी शुड ईट ऑन टाइम, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ये सेंटेंस करेक्ट है, वी शुड ईट ऑन टाइम, हम टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, अदरवाइज हम बार बार खाते रहेंगे तो जाड़े भी बन जाएंगे, लेजी भी बन जाएंगे। ओके, तो अभी नंबर 5, तो ये सेंटेंस कैसा है? ट्रू। नंबर 5 वाला क्या है? वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, रोज हमें कितना पानी पीना चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस, इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। तो हम ये बॉक्स में क्या लिखेंगे? ट्रू। अभी नीचे देखो, टर्न योर पेज, आपका पेज टर्न करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर सी आएगा, मैच द फॉलोइंग। अभी हमें यहाँ पे मैच करना है। अभी मैं आपको ए वाला कॉलम पढ़ूंगी, उसके बाद बी वाला, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स। नंबर 1, ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट। नंबर 2, मिल्क, एग, मीट। नंबर 3, चिप्स, बर्गर्स, पिज्ज़ा। नंबर 4, फूड कुक्ड एट होम। नंबर 5, लंच। अभी बी में क्या दिया है? ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट, किसको मैच हो जाएगा? कहाँ से मिलते हैं हमें ग्रेन्स, फ्रूट, पल्सेस? फ्रॉम प्लांट्स। फ्रॉम प्लांट्स कहाँ है? ढूंढो आप, मिल गया। तो अभी वो कहाँ है? ए बी सी डी ई में है। सब लोग ई में देखो, ई में क्या है? फ्रॉम प्लांट्स। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या है? ई, फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 2, मिल्क, एग, मीट। मिल्क, एल्क, मीट कौन देता है हमें? मिल्क, एल्क, मीट, एनिमल। तो उसका आंसर क्या आएगा? फ्रॉम एनिमल्स। कहाँ है फ्रॉम एनिमल्स? ए में। तो ए कहाँ है? तो चलो मैच करो ए को। ओके, किया। तो अभी नंबर 3, चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा। चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा क्या है? इट इज़ गुड फॉर हेल्थ? नो, नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट इज़ अ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कहाँ लिखा है नॉट गुड फॉर हेल्थ? डी में। तो ये कहाँ मैच हो जाएगा? डी को। ओके, देन नंबर 4, फूड कुक्ड एट होम, गुड फॉर हेल्थ, सी। नंबर 4 का सी। लंच, लंच कब लेते हैं हम? रात को? नो, मॉर्निंग को? नो, फिर दोपहर को, आफ्टरनून। तो आफ्टरनून कहाँ है? बी में। तो लास्ट वाला बी को मैच करना है। ओके, समझ में आया एवरीवन? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? डी पे जाएंगे। डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वेयर डू वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम, हमारा मोस्ट ऑफ फूड कहाँ से मिलता है हमें? हु इज टेलिंग? नोबडी। ओके, तो मोस्ट ऑफ फूड हमें मिलता है प्लांट से। तो आंसर क्या आएगा? प्लांट। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्या लिखोगे आंसर में? वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अभी नंबर 2 है, व्हाट मेक्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रांग, हमारे बोन्स एंड टीथ किससे स्ट्रांग होते हैं? तो आंसर क्या आएगा? मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। क्या आएगा? मिल्क। नंबर 2 का आंसर है मिल्क। नंबर 3, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक इन अ डे, हम हाउ मेनी ग्लास, बोलो, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक इन अ डे? 6 to 8 ग्लासेस। हाउ मेनी? 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए। समझ में आया? अभी आपको नेक्स्ट दिया है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में आपको नंबर 1 की एक्टिविटीज़ क्या है? विजिट टू अ ग्रीन ग्रोसर शॉप विथ योर पेरेंट्स। आपको क्या करना है? ग्रीन ग्रोसर मतलब वेजिटेबल के दुकान में जाना है। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। एंड लर्न द नेम ऑफ 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल। आप जब शॉप में जाओगे तब मैं आपको पूछूंगी कि आपने जो शॉप में देखे 5 वेजिटेबल एंड 5 फ्रूट्स के नेम, एंड शेयर दिस नेम इन योर क्लास विथ योर क्लास। क्लास में वो शेयर करने हैं। सो सिंपल है ना? तो ओके, नंबर 2,
ज्वाइन द डॉट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अभी देखो यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, हु टेल मैंगो। नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पिक्चर कौन सा है, टमाटो। तो अभी आपको इसको क्या करना है, घर पे जब आपके पास बुक आएगी तो इसमें आप कलर करोगे और उसका नाम लिखोगे। मैंगो का कलर कैसे होता है, कच्चा आम होता है तो ग्रीन होता है और पका होता है तो येल्लो होता है। आपको जो भी पसंद आएगा वो कलर करने का, ग्रीन या येल्लो, और नीचे नाम लिखने का, क्या मैंगो MANGO। टमाटर, टमाटर कैसे होता है, रेड कलर का। तो आपको इसको डॉट ज्वाइन करना है और नीचे टोमेटो लिखना है एंड कलर करना है। कौन सा कलर करोगे, रेड। ओके।